फाइनल 5 मिनट में सुन लो जल्दी से। अब सभी जानते हैं 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त हर दिन 2 पाली, 5 दिन 10 पाली में आपका पेपर है। ये 4 सब्जेक्ट है जिसमें से 37 सामान्य ज्ञान, 38 क्वेश्चन, 76 नंबर, और जो बच्चे औसत क्वेश्चन करके आते हैं वो 18, 16, हल्का पेपर आ जाए तो 20 क्वेश्चन करके आते हैं, जबकि आप इसमें से 35 के अराउंड औसत पहुंच सकते हैं। छोटा सा प्लान है, डेली समय देना पड़ेगा क्योंकि 20-22 दिन आपको पढ़ना ही है, सोना, खाना और तीसरा काम केवल पढ़ना और कुछ नहीं है। 8 घंटे सोलोगे, 2 घंटे खाने पीने, 10 घंटे उसके बाद में भी 14 घंटे बन सकते हैं अगर आप पढ़ने वाले हुए तो। अब इसमें जो 67,244 पद का ये एग्जाम है, 48 लाख बच्चों में से 60,244 को 48 लाख में से 48 लाख का पूरा लगा लो कि 48 लाख में कितनी जीरो होगी, 6 जीरो का 25 सैकड़ा 1,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 4 लाख, ये तो 48 लाख लिख लो, चलो ठीक है भैया, तो कितने 48 लाख, 5 जीरो, 4, 8 और उसके बाद में 5 जीरो, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 25 सैकड़ा 1,000, 10,000 लाख, 10 लाख, ठीक है भैया, तो 48 लाख, क्योंकि वैसे एक अंक होता तो 6 जीरो लगाते हैं, तो अब 48 लाख में से 60,244, इसलिए बताना पड़ा, पता कि मास्टर पे आता नहीं है, 60,244 पद, बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन, री एग्जाम में बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। ये जीके कैसा सिलेबस है जिसमें से आप साथी काफी कम से कम बाकियों से 20 से 25 क्वेश्चंस की लीड ले सकते हो। अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे, ये विविध के टॉपिक है जिन्हें बच्चा ज्यादातर गलत करके आता है, और इसको मैं साथी कल रात 10 बजे से लेकर चल रहा हूं, और इसको ये एक्चुअल में संगम का प्लान है जो 2-3 दिन में तुम लोगों को देने की सोच रहा हूं। इनमें से एक टॉपिक विमुद्रीकरण में करा चुका हूं, डे वन कल रात 10 बजे, जैसे भारतीय और उत्तर प्रदेश की कृषि विरसी, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ज्यादातर तो लोग गलत करके आते हैं। डे टू GST, डे थ्री मानवाधिकार, डे चार आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद साइबर क्राइम, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, अनुसंधान और खोज, 1 क्लास में रिवीजन, डे 5 में पुरस्कार सम्मान, डे 6 में पुस्तक लेखक, 7 में पुलिस सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, 8 में उत्तर प्रदेश में राजस्व, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, 9 में भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, और 10 में ये विमुद्रीकरण हम लोग कर चुके, कला और संस्कृति मुख्य है। अब अगर ये कल से शुरू हुआ तो 29, 30, 31 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 अगस्त तक फर्स्ट रिवीजन, प्रथम रिवीजन, और ये रिवीजन SI की क्लास में आपको याद हो जाएगा। क्लास में क्या हो जाएगा याद, यदि आप क्लास में आओगे, मैं कह रहा हूं मॉक टेस्ट की तरह भागोगे, आप चाहोगे कि खूब आपको जीके के मॉक टेस्ट दें, पर मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं उससे आपके नंबर नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको फाइनल नंबर बढ़वानी है तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात मान लेना, पहला रिवीजन हो गया, फिर साथी ये तो 10 दिन में किया, अगले 5 दिन 8, 9, 10, 11, 12 फिर सेकेंड रिवीजन, कौन सा रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, फिर ये 10-12 टॉपिक लेकर 13, 14, 15 फिर साथी थर्ड रिवीजन, इसका क्या मारेंगे, थर्ड रिवीजन, और तीनों बार टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी दूंगा टॉपिक वाइज, और 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20 केवल और केवल क्वेश्चंस के द्वारा, और 21-22 फिर केवल और केवल क्वेश्चंस, और 23 से अपना पेपर देके आना। कितनी बार रिवीजन करवा रहा हूं, 3 बार रिवीजन करवा रहा हूं, पहला रिवीजन और बहुत बढ़िया से क्लास में याद करा दूंगा, घोड़े की तरह उछल उछल के याद करोगे, ऐसा लगेगा जैसे कौन से चने खाली हो। यह पूरा प्लान है, कल रात से शुरू होगा, कल रात मतलब 29 जुलाई से। अब आप देख लो, आपको पहले मॉक टेस्ट लगाने या टॉपिक वाइज, बहुत से लोग मॉक टेस्ट में बिलीव करेंगे तो मेरा भरोसा करना बड़े भैया का, कि ये व्यक्ति थोड़ा सा भरोसा करना, तुम में से 60,244 से लाखों नहीं है, तुमने भरोसा कर दिया ना, 3 बार पेपर में इस बार रिवीजन मारोगे, क्योंकि एक बार आप लोग थोड़ा थोड़ा पहले, और ये हो जाता है साथी करंट का, करंट सुबह 6 से 8 1 तारीख से, सुबह 6 से 8, तो एक आपका साथी दोपहर 12 से 4 का प्लान बनाऊंगा, और एक साथी रात
10 बजे का खींचने का मैराथन। इसमें और भी सब्जेक्ट होंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं डेली मुझे 2 घंटे चाहिए। कितने घंटे? डेली 2 घंटे। संगम में 3 टॉपिक विमुद्रीकरण करा दिया, इन 3 टॉपिकों को निपटा देता हूं, बाकी सारे टॉपिक और सेकंड रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन ये 7 तारीख तक खत्म। 8, 9, 10, 11, 12 सेकंड रिवीजन, 13, 14, 15 तीसरा रिवीजन, उसके बाद में फिर क्वेश्चन। इसमें टॉपिक भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, और 16 से फिर आपके केवल क्या होंगे? क्वेश्चन। बहुत अच्छे से करके आओगे, ये सब कुछ करंट अफेयर्स में इसका, और आराम से अब 20 से 22 क्वेश्चन का अंतर दे दोगे, जिनमें आप ज्यादातर गलत, चाहे क्वेश्चन का लेवल छोटा आए इस बार के पेपर जैसा या जेल वार्डर जैसा लंबा पेपर आए। और ये सब किस में है? ये साथी संगम का प्लान है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं आप इसे इग्नोर मत करो। और आपको लग रहा हो कि इग्नोर वाली चीज है, क्योंकि बच्चा आप भटकोगे जब तक आप एक जगह नहीं रुकोगे। आपने बहुत लोगों पर भरोसा किया होगा और तोड़ा भी होगा, टूटा भी होगा, लेकिन तुम मुझे बस अगले 20 दिन 22 दिन समय दे दो अपना, कि जी तुमने जो टाइम टेबल बताया संगम का, हम ये समय तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, तुम मजा देखना। और ये साथी आपको एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 249 रुपए का है, जो तैयारी कर रहे सभी के लिए, जिसमें 15 मॉडल पेपर आपके घर पर, और इसमें आपको साथी प्रैक्टिस के साथ थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी पूरी, और 2 से 3 बार रिवीजन। आप खुद से अकेले में रिवीजन कर ही नहीं सकते और ना कोई और करा सकता, क्योंकि ज्यादातर लोग, सब लोग क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन पर बच्चे ज्यादा आते हैं। जब आप टॉपिक कंप्लीट करते हो बच्चे नहीं आते, लेकिन एग्जाम किसका निकलता है? जो बच्चे टॉपिक लगा के जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन लगाने वाले के एग्जाम नहीं निकलते। एक बच्चा तुम किसी एग्जाम में जो मेहनत से लगा हो, वो ये नहीं बता सकता कि जी मैं क्वेश्चन लगा के लगाऊं, वो ये कहेगा कि मेरा रिवीजन टॉपिक पे कई बार था। तुम समझदार हो, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो तुम पेपर में मिलोगे और फिर यही बात दोहराओगे कि सर बहुत बड़ी भूल कर दी, काश हम समय दे देते। क्योंकि तुम बस अभी ये देख रहे हो, इस चैनल पर जुड़ू, इसका अच्छा नहीं है, इस पर जुड़ू, इसका अच्छा नहीं है, इस पर, इसी में आप अपना समय निकालोगे। अपना मन एक जगह लगा दो, मेहनत एक जगह लगा दो, कंटेंट अच्छा है, पार निकाल के ले जाएंगे। ये सब कुछ साथ ही एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो साथ ही पुरानी है आपके पास ऑलरेडी है तो पेड कोर्स में जाकर सीधा आप इसे ले सकते हैं। जिसके तरह कहां से लें, तो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एग्जाम प्रो ऑफिशियल, ये गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो अगर आपके मोबाइल में नहीं है, और पहले से इंस्टॉल है, आप पहले से जुड़े हुए हो तो बढ़िया से आप उस पर सीधे पेड कोर्स से बजाकर इस पर जरूर जुड़ जाइए, ये आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत ज्यादा काम की। और चलो अब मुझसे न जुड़ पाओ तो आप ऐसे ही इसको करना, ये जो विविध के टॉपिक है, क्योंकि पॉलिटी हिस्ट्री में आप गलती नहीं करोगे, ज्योग्राफी में आप गलती नहीं करोगे, गलती विविध के टॉपिक में करोगे, वो तो अगर आप आधा आधा एक एक घंटा भी दोगे तो भी काम हो जाएगा। तो आप खुद से भी ऐसे ही बना लो कि जैसे मैंने इसका अच्छा कंटेंट अपने आप लो, ऐसे अपना कि भाई मुझे 7 अगस्त तक फर्स्ट रिवीजन, फिर 8, 9, 10, 11, 12 सेकंड रिवीजन, और फिर 13, 14, 15 3 बार रिवीजन, और 16, 17, 18, 19, 20 ये साथी चौथी बार रिवीजन। इस प्रकार से आप स्वयं भी बना सकते हो बहुत ही प्यार से, और इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये एक तरीका है जिससे आप 100% सिलेबस करके गए तो आप आराम से 100% उत्तर भी देकर आओगे। 2-3 क्वेश्चंस की तो मैं नहीं कहता, 34-35 क्वेश्चन आप औसत आराम से निकाल लोगे। कला संस्कृति इत्यादि की क्लास ले ली तो आप लोग 35 भी करके आओगे, जैसे कुछ क्वेश्चन इस बार नहीं करे थे ना वो भी करके आओगे। दिक्कत क्या है, ना तो तुम 100% समय देते, ना तुम टिक कर पढ़ते, फिर दोष टीचर का बताते। मैं तो कह रहा हूं कोई भरोसा देगा क्या कि 100% समय दो? मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी जिसे बोलते लिखित में कहीं लिखवा लो। तो यही है बाप बाबू मेरे पास, और तो मैं आपको क्या बताऊं, मेहनत है, और उस मेहनत के बल पे ही कुछ वादा करते हैं, दावा करते हैं। तब सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही।